नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजाना न्यूज। में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। कैंट निवासी एक युवक के खिलाफ कुछ लोगों ने मिलकर जिला पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल को सौंपा ज्ञापन, जिसमें कहा गया है कि कैंट निवासी युवक ने इनके पैसे ले रखे हैं और वापस नहीं दे रहा है। जब भी पैसे मांगने जाते हैं तो वो हरिजन एट लगाने की धमकी देता है, साथ ही झूठी रिपोर्ट भी करता रहता है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने मिलकर चुन्नीलाल नाम के व्यक्ति के पास एक फंड डाला था, जिसका पैसा चुन्नीलाल के पास जमा है। वहीं चुन्नीलाल की नियत बिगड़ जाने के चलते पैसा वापस नहीं कर रहा है। वहीं चुन्नीलाल के एक आलिशान मकान भी है, जब लोग उससे पैसा मांगने जाते हैं तो वो उन पर हरिजन एक लगाने की धमकी देता है। इसी आशय का ज्ञापन आज पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया, जिसको एडिशनल एसपी सत्येंद्र सिंह तोमर ने लिया। वहीं सत्येंद्र तोमर ने आश्वासन दिलाया कि जांच करके इस मामले में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। चुन्नीलाल जाटव जो केंट गुलाबगंज में निवास करता है, लगभग 2012 से हम इससे जुड़े थे और आपस में सब पहचान के लोगों ने एक ग्रुप बनाया कि अपन इसमें पैसा इकट्ठा करके जरूरतमंद लोग आपस में एक दूसरे का काम चला सकें। ये पैसा इकट्ठा किया, 2-4 साल में पैसा ज़्यादा हो गया, तो उसमें चुन्नीलाल के मतलब कोई लालच आ गया, लोगों के पैसे वापस नहीं कर रहा है। इसमें हम सब लोगों ने मिलकर आज एसपी साहब को एक आवेदन दिया है कि इसने इतने पैसे का हमारे साथ सब लोगों के साथ गबन कर दिया है। 2-2, 3-3 लाख सब लोगों के रुके हुए हैं जो लोगों ने मेहनत करके जुड़े थे, और इसने इसका घर 70 लाख रुपए का बना रखा है, फर्नीचर 11 क्लास का लगा रखा है, 4-4 गाड़ियाँ डिजायर गाड़ियाँ मेंटेन कर रहा है, लोगों के पैसे दे नहीं रहा है, मांग रहा है। और हमने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया। मेरा एक भाई है परसोत्तम यादव, जो डेयरी का काम देखता है, मेरा दूध का काम है, उसके साथ मिल के मैंने 2-4 बार फंडों में हो गया, किस्त भरी और समय आया, पैसा मांगा तो पैसा वापस नहीं दे रहा। इसकी शिकायत करने हम आज एसपी साहब लगभग है ना 50 लाख के आसपास पैसा हमारा इस पर फंसा, शहर के 30-40 लोगों का पैसा इसने गुमराह करके झूठ बोल करके फंसा रखा है और किसी को वापस नहीं दे रहा। मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच गुना इकाई के बैनर तले आज संविदा अधिकारी एवं कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का 7वां दिन है। वहीं संविदा कर्मचारी एवं अधिकारियों ने आज वाहन रैली निकालकर मां बीसपूजी के दर्शन किए, साथ ही माता से कामना की कि जल्दी से मामा शिवराज सिंह चौहान को सद्बुद्धि दें, जिससे वे संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दें। संयुक्त के तत्वाधान में आज हमारा 7वां दिवस है। आज हम लोग माता रानी के दरबार में जा रहे हैं, माता रानी से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, मामा को सद्बुद्धि प्रदान करें, उनको ज्ञापन देने जा रहे हैं, हम लोगों को नियमितीकरण करवाएं माता रानी, उसी के लिए उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने आज ये वाहन रैली का कार्यक्रम आयोजित किया है। यही हमारे माता रानी से यही उद्देश्य है, यही प्रार्थना है, यही हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। माता रानी हमारे प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह जी को सद्बुद्धि दे, जिससे हमारे समस्त मध्य प्रदेश के 2.5 लाख संविदा कर्मी हैं, उनको वो सद्बुद्धि दे, हमको नियमित करें। एक तरफ जहां नगरपालिका शहर के सौंदर्यीकरण के लिए अतिक्रमण हटा रही है, वहीं रप्टे पर जहां से कुछ दिन पूर्व अतिक्रमण हटाया गया था, वहां आज फिर दोबारा लोगों ने अतिक्रमण कर अपनी दुकानें सजा ली हैं। जब इसी सिलसिले में हमने नगरपालिका के सीएमओ बुंदेला साहब से बात करना चाहे तो उनके जवाब
गोलमोल थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि वाकई में अतिक्रमण हटाना भी चाहते हैं या बढ़ाना। जब उनसे पूछा गया कि रपटे पर कुछ दिन पूर्व अतिक्रमण हटाया गया था, वहीं कुछ दुकानें आज भी वहीं के वहीं जस की तस रखी हुई हैं, साथ ही नई दुकानें फिर अतिक्रमण करने लगी हैं, तो उनका जवाब ऐसा था कि हम हतप्रभ रह गए। सीएमओ साहब ने कहा कि एक ही काम थोड़ी है नगर पालिका को कि वही रपटे पर जाके देखता रहे। समझते पर है कि इस तरह से जवाब देना एक अधिकारी के लिए कहां तक सही है। कौन सा नगर पालिका अतिक्रम हटवाती रहती है, लटती रहती है दुकानें, फिर हटवा देंगी। वह तुम जाने के लिए बाजार की बता रहे हो रफ्ते पर, रफ्ते पे तब वो आप दिखवाता हूँ। हाँ। तो अभी उनको भेज के सर, पर एक गुंडी थी जो कम से कम एक महीने पहले रख रही थी, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे भाई, कोई नगर पालिका एक ही जगह के काम के लिए थोड़ी बैठी है। नगर पालिका 500 काम है सारे भाई, सबकी जिम्मेदारियाँ अलग अलग हैं, वो सब अपने हिसाब से अपना अपना काम करते हैं। तो उसका कब तक कार्रवाई हो जाएगी सर? मौका दिखवाता हूँ, फिर नोटिस जारी होंगे। आरोन में रघुवंशी समाज द्वारा प्रीति रघुवंशी आत्महत्या केस के निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह को पद से हटाने की मांग की गई, साथ ही उनके पुत्र पर भी एफआईआर करने की मांग की गई। ये ज्ञापन महामहिम के नाम दिया गया, जिसमें रायसेन जिले में उदयपुरे की बेटी प्रीति रघुवंशी मंत्री एवं उसके परिजनों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। प्रीति रघुवंशी की माँ एवं भाई का बयान से यह स्पष्ट प्रमाणित किया जा सकता है कि प्रीति ने प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की है, जबकि इस बात के पूरे प्रमाण है कि मंत्री पुत्र गिरजेश ने आर्य समाज में प्रीति के साथ शादी की थी, जिसके उपरांत मंत्री द्वारा अपने पुत्र की दूसरी जगह सगाई करना तथा मंत्री के परिवार द्वारा प्रताड़ित करने पर प्रीति ने आत्महत्या कर ली। प्रीति के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मंत्री द्वारा उनके पिछले 2 माह से दबाव बनाया जा रहा था, फलस्वरूप प्रीति द्वारा आत्महत्या की गई, जिसका दोषी एकमात्र मंत्री रामपाल सिंह का परिवार एवं रामपाल सिंह स्वयं है। वहीं इस ज्ञापन के माध्यम से रामपाल सिंह पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग भी की गई। साथ ही रघुवंशी समाज ने यह भी आगाह कराया कि यदि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। सर, हम इस ज्ञापन का उद्देश्य है कि जो प्रीति रघुवंशी उदयपुरा जिन्होंने आत्महत्या की है, उसकी सही जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। स्थानीय BSNL के स्टोर में आज सुबह आग लग जाने से लाखों का कवाड़ा जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड वे विभागीय कर्मचारी एवं पुलिस ने किसी तरह से आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक स्टोर में रखा हुआ केबल, बॉक्स, मोटरसाइकिल व अन्य सामान जलकर खाक हो चुका था। मिली जानकारी के अनुसार BSNL के एक सेक्शन में से धुआं उठता दिखाई गया, जब उसके पास जाकर देखा तो वहां आग लगी हुई थी, तभी सभी कर्मचारी एकत्रित हो गए तथा आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। इसी बीच फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि आग लग गई है तो वहीं अफरा तफरी का माहौल भी हो गया, साथ ही दूसरी तरफ के सेक्शन को भी खाली कराना शुरू कर दिया गया। इस आगजनी में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। ये गौर करने वाली बात है कि इस आगजनी में केवल वही सामान जला है जो काम का नहीं था। आग लगने के अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं सूत्रों की माने तो इसमें उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। तो मेरा दूरवाज BSNL उसने आग लगती हुई देखी, मैंने इमीडिएट आगे गार्ड साहब को बोला और भी एक दो सदस्य यहाँ खड़े हुए थे, उनको बोला आग लग गई है तो आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन कीजिए। उन्होंने फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं लगा तो मैं खुद अपने स्कूटर से फायर ब्रिगेड स्टेशन गया, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन की कि दूरवास केंद्र में
दूरसंचार केंद्र में आग लग गई है, आप लोग फटाफट फायर ब्रिगेड भेजिए। मैं खुद साथ में जाके फायर ब्रिगेड लेके आया, इसके बाद यहाँ पे आग बुझाने की कार्रवाई की गई। क्या माल जला है यहाँ पे? यहाँ पर जो पुराना कबाड़ा में केबल वगैरह और बहुत से बॉक्स वगैरह रखे हुए थे उनमें आग लग गई है। क्या नाम है? कैंट थाना क्षेत्र के बरवटपुरा में रहने वाले एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर मौत को गले लगा लिया। मृतक के पीछे उसकी पत्नी एवं दो बच्चे बताए जा रहे हैं। मृतक की उम्र 35 वर्ष है और वह बरवटपुरा में ही रहता था, साथ ही वे लाइट का काम भी करता था। आज देर रात उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं उसकी पत्नी और बच्चे भी उस समय घर पर थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गया तो गाँव पे था, तो मुझे बच्चों ने फोन करके बताया सुबह कि ऐसे ऐसे हुए, तब मैं सुबह आया। क्या क्या करता था जी? जी लाइट का काम करता था ठेकेदार। क्या नाम था? दशरथ पूजा। तो कब कब की? अच्छा, कब की घटना है ये? ये रात की है सर। अच्छा, घर पे ही? क्या फांसी लगाई? फांसी। कोई परेशानी वगैरह? कोई परेशानी नहीं। कोई काम का टेंशन बोझ किसी ने परेशान किया? कोई बात ही नहीं है, कोई बात की टेंशन नहीं है। अब महिला एवं छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वालों की आएगी शामत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरह के महिला अपराधों को उनके क्षेत्र में होना ना दिया जाए। साथ ही जो भी इन अपराधों में लिप्त होते हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में आज गुना पीजी कॉलेज एवं स्वतंत्र पार्क से 4 मंचोलों को उठाया गया, साथ ही उनकी परेड निकालकर एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय डीजीपी महोदय द्वारा महिला एवं बालिकाओं के साथ हो रही छेड़खानी संबंधी अपराधों को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत आज 4 व्यक्तियों को, 2 व्यक्तियों को पीजी कॉलेज के सामने स्वतंत्रता पार्क से एवं 2 व्यक्तियों को नेहरू पार्क से 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। लड़कियों के साथ असली करते थे और छेड़खानी कर रहे थे, जिसके जिन्होंने जिन्हें थाने से ही कोर्ट तक पैदल मार्च किया जाएगा, उसके बाद एसडीएम कोर्ट में पेश किया। आज मधुसूदनगढ़ में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की नाक काट कर उसको घायल कर दिया। मधुसूदनगढ़ में गुना रोड पर तहसील के सामने एक महिला जिसका नाम गनीबाई बताया जा रहा है, उसके पति मुकेश ने अपने मुंह से महिला की नाक काट कर उसको घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि गनीबाई की शादी बिजनीपुर में रहने वाले मुकेश के साथ हुई थी। वहीं शादी के कुछ वर्षों बाद दोनों पति पत्नियों के बीच झगड़ा चालू हो गया था, जिसके चलते गनीबाई अपनी मां के पास मधुसूदनगढ़ आकर रहने लगी। वहीं आज मुकेश अपनी पत्नी को लेने मधुसूदनगढ़ आया एवं बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने लगा। गनीबाई को यह नहीं पता था कि उसके पति के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। गनीबाई अपने पति की बातों में आ गई और उसके साथ चलने को तैयार हो गई। वही सामान लेकर जैसे ही वो गुना रोड स्थित तहसील के सामने पहुंचे तो मुकेश ने अचानक गनीबाई के ऊपर हमला कर दिया और अपने मुंह से उसकी नाक काट ली। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो उन्होंने मुकेश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक मुकेश वहां से फरार हो चुका था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं गनीबाई को मेडिकल के लिए भेज दिया है, साथ ही मुकेश की भी तलाश जोरों से शुरू कर दी गई है। समझ से परे है कि किस तरह से कोई पति इस तरह अपनी पत्नी पर हैवानियत दिखा सकता है। गनी तो इनकी नाक कौन ने खाई? पता नहीं। इनके साथ दादी के थे। क्या नाम है उनका? मुकेश। कौन से गांव के हो? कौन सी जगह के? भोपाल रोड मक्सुवण के ही हो। और ये बहन का क्या नाम है तुम्हारी? गनी। इनके पति का नाम? मुकेश। तो क्या कोई लड़ाई बड़ाई चल रही थी क्या इनके घर में? कब से? बहुत दिन की। ये बच्ची कौन की है? ये मेरी दीदी की है।
अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? दानी। कौन लगती हो इनकी? मेरी बहन है। एक महिला भी आई थी, गन्नी भाई जी, ये बिजनीपुर की इसकी ससुराल है। इसका पति से कल लेने आया था ऐसा इसका कहना, आज इसका पति इसे वापस ले जा रहा था। तो ये साहू की दुकान है तहसील के सामने जी। यहाँ ये कह रही है उसकी मुंह से नाक काट लिए जी, उसमें खा ली, उसका प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया उसको मेडिकल के लिए। इसकी क्या है सर, जानकारी मिलने के बाद घेराबंदी भी की थी, हाथ लगा क्या? हाँ, इसका भेजा था तो उसने निकल भाग गया। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा विचार योग्य फाउंडेशन का प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। जिस अभियान में गुना के महिला आयोग की सखी नीलम बिंदल द्वारा बस एवं ट्रेनों पर सूचना चिपकाई जा रही है। उक्त सूचना पत्रों में ये साफ तौर पर लिखा गया कि किस तरह से सफर के दौरान महिला एवं छात्राओं को होशियार रहना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के द्वारा एक विचार योग फाउंडेशन के तहत बेटी को समझदार बनाओ कार्यक्रम चल रहा है हमारा, जो 8 मार्च से 23 मार्च तक के लिए है, जिसमें ये कहा गया है कि बेटी निर्भय होकर रहे, बेटी सुनसान जगह से ना जाकर के कोचिंग कॉलेज आदि जाती है भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से जाए, और बसों में और ट्रेनों में हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो जनता हमारी सफर करती है तो वो इसको पढ़ेगी, और जो माता पिता जागरूक है वो अपनी बेटियों को एक दिशा निर्देश दे कि बेटियां निर्भीक बने, साहसी बने, बहादुर बने। साठ लीटर शराब एवं लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपियों को रावगढ़ में पुलिस ने निकाला जुलूस। पुलिस मंत्रालय द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। मुखबिर की सूचना से गजानन बुनकर के पास 60 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा गया। वहीं दूसरा आरोपी मुकेश कुशवा परसों रात को एक लड़की के साथ छेड़खानी करता हुआ पकड़ा गया था, जिन दोनों पर कार्रवाई करते हुए रावगढ़ थाने से उन दोनों का जुलूस निकाला गया। साथ ही मुजरिमों को न्यायालय में पेश भी किया गया। इस तरह से करने का पुलिस का एक ही मंशा है कि सभी लोगों में यह संदेश जाए कि जो भी गलत काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो है पुलिस मुख्यालय द्वारा दो तीन दिन से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आज जो है मुखबिर की सूचना पर गजानन बुनकर को 60 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा था, और उसकी 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है। तो एक प्रकरण वो है, और दूसरा प्रकरण परसों रात में एक मुकेश कुशवाहा नाम के व्यक्ति ने एक लड़की के साथ बुरी नीयत से छेड़खानी की थी, उसको आज गिरफ्तार किया गया। दोनों मुलजिमों को यहाँ से न्यायालय में पेश करने जुलूस के रूप में लेकर गए हैं। जनता के लिए संदेश है कि जो भी गलत काम करेगा, अवैध कार्य करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस। रावगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। शासकीय महाविद्यालय रावगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का 7 दिवसीय विशेष शिविर में द्वितीय दिवस के अवसर पर स्वयं सेवकों द्वारा स्वच्छ भारत एवं नशा मुक्ति अभियान विषय पर जागरण का कार्य किया गया, जिसके अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, बस स्टैंड एवं शिविर परिसर के आसपास की साफ सफाई की गई। गाँव में स्वच्छता एवं नशा मुक्ति विषय पर जन जागरण रैली तथा नारों के साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जागरण भी किया गया। तो उन्होंने ये बताया था भी आए थे CBI के लोग, तो मुझे टेलिंग दी उन्होंने कि सबको बताइए आपके बच्चों को या जो भी अपने कलीग हों उनको कि अपना पैन नंबर कभी मत दीजिए। कुछ लोग कहते हैं हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, हमें आपकी सिम नहीं चाहिए। हम आधार नंबर का तो उन्होंने नहीं बताया, उनका पैन नंबर से बैंक में पहुंच जाते हैं। आधार से तो पहुंचे चाहे ना पहुंचे, लेकिन पैन नंबर से आप बैंक में पहुंच जाते हैं और आपकी पूरी स्थिति पता लगा करके और ऐसे ऐसी बातें पूछेगी तो क्या आप उनकी बात बता दोगे? तो कभी भी अपना पैन नंबर उनको नहीं बताना। आधार कार्ड भी कंपलसरी हो गया है, सभी बैंकों को आधार से लिंक कर दिया गया है। रावगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। डीजे आने में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।